फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि आपको पता है अफर्मेशन में कितनी ताकत होती है। तो आज यहाँ पे यही सीखेंगे कि हम अपनी खुद की अफर्मेशंस कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, खुद की अफर्मेशंस बनाने के बाद में जब आप इनको सुबह शाम सुनते हो तो इसका मिरेकल इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए आप डे बाय डे आगे बढ़ते ही जाते हो। तो यहाँ पे अफर्मेशन कैसे लिखनी चाहिए, उसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे। मतलब कि कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखना है। आप यहाँ पे आप में से कई जने बोलेंगे कि मैम नेगेटिव सेंटेंस ही आते हैं दिमाग में, पॉजिटिव आते ही नहीं है। तो ओके, जो भी नेगेटिव सेंटेंस आया है उसको दिमाग में लेके आओ। लाइक कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत मोटी हूँ तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है ना। इसका पॉजिटिव कैसे बनाना है कि मुझे हेल्दी और फिट रहना है। मतलब कि आपके जो एफर्मेशंस हैं उसमें नो या नेगेटिव या नहीं करना है ऐसा नहीं आना चाहिए। मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ या ऐसा हो जाए, ये सब नहीं आना चाहिए। आपको अपना सेंटेंस ऐसे इतने पॉजिटिव तरीके से लिखना है कि आपको ऐसा लगे कि 100% ये होगा ही होगा और मैं इसको अचीव करूँगा। तो फाइनली आपको ये करना है कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस आ रहे हैं उनको एक जगह लिख लीजिए और उसका अपोजिट बनाइए। अपोजिट हम स्कूल में आराम से बनाते थे, अच्छे का बुरा, मोटे का पतला। तो उसका आपको अपोजिट सेंटेंस बनाना है, सारे नेगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस बन जाए। उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपना सेंटेंस मैं से शुरू करना है। मैं मतलब कि आई, मैं हूं, मैं खुश रहती हूं, मैं हेल्दी और फिट हूं, मैं हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखती हूँ। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो मैं और हूँ के बीच में आए। प्रेजेंट टेंस में बनाने हैं, मतलब कि आजकल आप वैसे हो। देखो, इसमें से मुझे पता है कि डेफिनेटली बहुत सारी बातें झूठी हैं। लाइक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए सेंटेंस जब बनाया था स्टार्टिंग में, मैं एक अच्छी यूट्यूबर हूँ, तो ना तो सब्सक्राइबर्स थे, ना ज़्यादा व्यूज़ थे, ना ही मैं उतना अच्छा काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सेंटेंस बनाया था कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर हूँ। तो इस सेंटेंस को जब मैं डेली 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 एफर्म करती थी तो धीरे धीरे मुझ में और ज़्यादा क्वालिटीज इंप्रूव होती गई अपने चैनल को और ब्यूटीफाई करने के लिए। तो आपको ये तो मान लीजिए कि झूठ बहुत लिखना पड़ेगा। आप अभी प्रेजेंटली वो चीज़ों में नहीं हो, लेकिन इन फ्यूचर आप जो अचीव करना चाहते हो उसको आप अभी फील करोगे, उसको इमेजिन करोगे, उसको डेली बोलोगे लिखोगे, तो ही आप फ्यूचर में वो अचीव कर पाओगे। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अभी मेरी करंट जॉब है जिसमें मेरी 70,000 सैलरी है और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में मेरी 1 लाख सैलरी हो जाए। और अब आने वाले टाइम के लिए मैं प्रेजेंटली ये सेंटेंस बनाऊंगी कि मैं 1 लाख की सैलरी पे जॉब कर रही हूँ, मैं 1 लाख सैलरी ले रही हूँ। अब ऑब्वियसली आपकी 70 है लेकिन आप 1 लाख लिख रहे हैं। डेफिनेटली आप जब 1 लाख डेली बोलेंगे, डेली लिखेंगे, तो आपको अपने आप उस ड्रीम को सक्सेस करने के लिए रास्ते भी मिलते जाएंगे। नेक्स्ट जो मेन बात है कि हमें हमारी अफर्मेशंस बहुत शॉर्ट और इजी लिखनी चाहिए। देखिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जैसे भी हो आपको इतनी इजी लिखनी है कि आपका खुद का ब्रेन ज़्यादा दिमाग ना लगाए उसको समझने में। बिल्कुल इजी सेंटेंस, मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट रहती हूँ, मैं अच्छा खाना खाती हूँ, यही सब सेंटेंस आपको बहुत ईजी लिखने हैं। आपका ब्रेन उसको जितना ईजिली समझेगा उतना ही जल्दी उस पर वर्क करना स्टार्ट करेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम ऑनलाइन जब कभी भी एफर्मेशंस देखते हैं, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की एफर्मेशंस देखी हैं, तो उन्होंने एक कैटेगरी में बना रखी है। लाइक अगर जिन दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सोचते हो चलो हेल्थ से रिलेटेड एफर्मेशंस में देख लेता हूँ, वही बोलूँगा, तो उन दिनों आपकी हेल्थ जो होती है वो प्रायोरिटी हो जाती है, बाकी सब चीज़ें साइड में रह जाती है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आप उससे रिलेटेड एफर्मेशंस बोलने लग जाते हैं, बाकी सब चीज़ें साइड में रह जाती हैं। लेकिन अगर आप खुद की एफर्मेशन बनाएं तो उसको कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। लाइक उसमें 1-2 सेंटेंस आपके हेल्थ से रिलेटेड होने चाहिए, 2-3 सेंटेंस आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, या और कुछ भी जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, उन सब से मिक्स करके आप एक अपना पूरा एफर्मेशन बनाएंगे और वो पर्सनली सिर्फ आपका होगा। एक चीज़ जो और हम कर सकते हैं वो ये कि हम हमारा उसमें नाम लिखें। लाइक अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं नीलम एक अच्छी यूट्यूबर हूँ, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जब आप अपने एफर्मेशंस में इमोशंस डाल देते हैं,
जब सारे एफर्मेशंस आप लिखते हैं और उनको अगर इमोशंस के साथ में लिखते हैं, तो आपका ब्रेन उनको और भी ज़्यादा फील करता है और उसके लिए आपको हमेशा पुश करता रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं हमेशा हेल्दी फूड खाती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेस फ्री रहना जो है वो मेरा इमोशन हो गया। अगर मैं बोलती हूँ मैं डेली वॉक पर जाती हूँ, इसीलिए मैं हेल्दी और खुश रहती हूँ, तो ये जो आपके इमोशंस हैं उसको भी अपने एफर्मेशंस में जरूर ऐड कीजिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके एफर्मेशंस में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। मैं अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, मुझे निकालना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। आपको ये लिखना है कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ या मैं डेली योगा करती हूँ। अब चाहे आप कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब थोड़े दिन तक बोलोगे तो कभी तो ऐसा होगा कि आपका शरीर या आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि इतने दिन हो गए, थोड़ी तो कोशिश कर, 5 मिनट तो निकाल, 10 मिनट तो निकाल। तो यहाँ पे यही एफर्मेशन की ताकत है। डेली जब आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलने वाली है, आपके ऐसे कौन कौन से ड्रीम्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। डेली के रूटीन में हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को जब तक कोई टारगेट नहीं देते वो भी आराम से बैठा रहता है, और जैसे ही हम उसको कोई टारगेट दे देते हैं, एफर्मेशन एक तरीके से उसको एक हमने टारगेट दिया है, टास्क दिया, और जब उसको डेली यही टास्क रिपीट 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 करते जाएंगे तो उसको ये टास्क याद हो जाएंगे और धीरे धीरे वो आपको फोर्स करेगा या आप खुद को फोर्स करेंगे उन्हीं टास्क को अचीव करने में। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी एफर्मेशन लिखिए। मैं पिछले कई सालों से एफर्मेशन लिख रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिख दी वो फ्रेम हो गई, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप 2 दिन बाद चेंज कीजिए चाहे महीने भर बाद चेंज कीजिए, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाए नए एफर्मेशंस लिखिए, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि एफर्मेशंस या आपके गोल्स वो लिखने हैं जो कि आपको लगे कि आपकी कोशिश के बाद आप अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल भी ऐसे गोल्स नहीं लिखने हैं जो आपको पता हो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चाहे आप बड़े गोल्स जो आपको इम्पॉसिबल लग रहे हैं उनको छोटों में तोड़िए और उन छोटे छोटे गोल्स को लिखिए। जैसे जैसे आप अचीव करते जाएंगे आपको इम्पॉसिबल गोल्स भी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देख के और आप अपने अफर्मेशंस खुद लिख पाएंगे। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है और आपने इसको एंड तक देखा है तो इसको लाइक कर दीजिए। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि एक तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, दूसरा मेरी वीडियोस जब कभी भी आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाय। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके एफर्मेशंस हैं, तो ये जो आपके इमोशंस हैं उसको भी अपने एफर्मेशंस में ज़रूर ऐड कीजिए।